सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल, प्रदेश अध्यक्ष व भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग की प्रेस वार्ता का आयोजन होटल रिच गार्डन में किया गया। कार्यक्रम में विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि आगामी उपचुनाव में आरएलपी अपना उम्मीदवार सुजानगढ़ में उतारेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों से जनता परेशान है। उन्होंने 7 मार्च को सांडवा में होने वाली रैली में अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील की। वहीं आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश में बारी बांध रखी है और ये दोनों जनता का शोषण कर रहे हैं, इसलिए जनता को आरएलपी से जुड़ना चाहिए। इस दौरान विधायक इंदिरा बावरी, मदन ढाका, दानाराम गिंडला, विवेक माचरा, डॉक्टर श्रवण विद्या चौधरी, सीताराम चौधरी, सरोज नायक, अनिल बारूपाल सहित अनेक आरएलपी नेता भी मंचस्थ रहे। सभी का आरएलपी कार्यकर्ता हरिराम ओला, एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल सहित अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। प्रेस वार्ता के बाद नेताओं ने कार्यकर्ताओं में बैठक ली और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए रवाना हो गए। आप ही देखिए किस प्रकार से नारायण बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी की सरकारों पर निशानों साधा है, और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि हम प्रदेश के चारों जो उपचुनाव है जिसमें इस प्रदेश की जनता जो है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से त्रस्त है। आज यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो तीनों कृषि कानूनों, जिनको मैं काला कानून कहूँगा, उसको लेके और पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पे 200 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। लेकिन 200 लोगों की शहादत के बावजूद केंद्र सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की ओर इंगित कर रहा है। प्रदेश के अंदर भी जो बजट आया, आंकड़ों के मोहजाल के अंदर मीडिया के माध्यम से सरकार ने बड़ी बड़ी बातें पेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन मीडिया के अंदर ये भी आया कि पिछला जो बजट मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया था उसमें आज भी 70% जो योजना है उनमें काम शुरू नहीं हुआ। बजट के 70% से ज़्यादा राशि जो है वो अभी इनसे खर्च नहीं हुई। तो युवाओं और किसानों के अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है। कर्ज माफ़ी का वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा जो टोल टैक्स की बात थी, जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की जो 5 हुंकार रैलियाँ थी उसमें हमारा मुख्य एजेंडा था, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्टेट रोड्स को टोल मुक्त किया था, लेकिन ये सरकार आते ही वापस टोल शुरू हो गया। तो टोल मुक्ति की बात भी हमारा मुख्य मुद्दा। उसके अलावा आज आप देख रहे हैं देश के अंदर पेट्रोल डीजल और विशेषकर राजस्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ देश के अंदर सर्वाधिक प्राइस जो है वो पेट्रोल डीजल की राजस्थान के अंदर है। आम व्यक्ति की जेब सरकार काट रही है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि कैसे करके रेवेन्यू जो है जो आम उपभोक्ता की जेब से हम कैसे निकालें, है ना, देश को आगे ले जाने की बात ये करें, लेकिन आम व्यक्ति पे, चाहे आप देख लीजिए गैस की सब्सिडी की बात सरकारें बड़ी बड़ी करती रही, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि सब्सिडी नाम की जो चीज़ जो केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट DBT के माध्यम से जो शुरू की थी वो भी बंद हो गई। और सरकार की ये मंशा है कि गैस, जो घरेलू गैस का सिलेंडर जो है वो भी थोड़े दिनों बाद आपको 1000 रुपये में नज़र आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात जो यदि हम करें तो 3 अंकों के अंदर चला गया, 100 रुपये के लगभग रेट हो गई। हरियाणा दिल्ली की यदि बात हम करें तो वहाँ 10-11 रुपये पेट्रोल डीजल यहाँ से सस्ता है। तो सरकार को भी टैक्स में कहीं ना कहीं कटौती करके या जो सेस जो लगा रही है इनके अंदर कटौती करके और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। अभी जो उपचुनाव, जो सुजानगढ़ में भी उपचुनाव है, यहाँ के प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल जी का स्वर्गवास हो गया था, तो यहाँ भी आरएलपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी। आज हम लोग जो युवा आक्रोश रैली जो है 7 तारीख को सांडवा के अंदर उसको लेके, और हम लोग यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी गर्ग और मेड़ता के विधायक इंदिरा जी बावरी और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बीकानेर के जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, हम सब लोग मिलके और युवाओं के अंदर जो आक्रोश है सरकार के प्रति उसको सरकार की का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ को लेके। और आज आप लोगों से हम रूबरू हुए हैं। देश के अंदर कृषि, कहने को तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसान की क्या हालत है, जगह जगह आत्महत्याएं करना। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ विधानसभा में हमने मांग की कि कहीं ना कहीं हम जल्दी एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे कोर्ट के अंदर के राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र के अंदर ये एक
रोक लगनी चाहिए। चुनाव होने से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उसके बाद उन वादों पे सरकारें खरा नहीं उतरती और लोगों का आक्रोश झेलना पड़ता है। कई आप देख रहे हो नौकरियों के लिए 5 लाख नौकरी का वादा किया, अभी बजट के अंदर 50,000 नौकरियों की इन्होंने घोषणा की, लेकिन नौकरियों में भी आप लोग देखो आरपीएससी जैसी संस्था जो देश के अंदर राजस्थान की जो आरपीएससी जो है उसका सर्वोच्च स्थान हुआ करता था कभी, लेकिन आज हालात क्या है, पेपर आउट हो रहे हैं, नकल गिरोह बन गए इस प्रदेश के अंदर। कर्मचारी चयन आयोग में जो अध्यक्ष को अभी हटा के दूसरे को बनाया है उसके अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसके अंदर पेपर आउट नहीं हुए हो। तो पेपर आउट होना या भर्तियां जो है कोर्ट के अंदर लंबित हो जाना, तो युवाओं के युवा इसको लेके बड़ा आक्रोशित है। उसके अलावा यहाँ बिजली के कनेक्शन जबरन ट्रांसफार्मर उतारना, बड़ी बड़ी VCR भरना और बिजली की जो दरें, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम बिजली उत्पादन के अंदर देश के अंदर प्रथम पायदान की ओर जा रहे हैं, तो जब आप प्रथम पायदान की तरफ जा रहे हो और पीक आवर्स में आप 1.5 रुपये प्रति यूनिट सरकार लोगों से बिजली खरीद रही है विद्युत कंपनियां और 12-13 रुपये प्रति यूनिट लोगों को बेच रही है, और घाटा जो है विद्युत कंपनियों का, ये सब जो खरीद है जो सामान की खरीद के अंदर इतने बड़े घोटाले पहले भी होते हैं, विद्युत कंपनियां आज भी यही काम कर रही है, कभी FRP के नाम पर, कभी सेग्रीगेशन के नाम पर, और नए नए प्रोजेक्ट अधिकारी लोग लेके आते हैं और सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं है। मदन जी ढाका, हमारे शुरू के जिला अध्यक्ष महोदय, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। पूर्णा राम जी स्वागत।